अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो टाइम जाए कि अभी ना हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको सिखाना है कि आप लोगों को कलर्स के नेम हमें याद नहीं रहते, तो उनके कलर्स बनाने का तरीका कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास, और सेव हम लोगों ने वहाँ पर करना है जहाँ पर हम लोग काम करते रहते हैं। तो जो हमारे पास टैग है इसी के अंदर मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर आके एक न्यू टैब बनाता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, क्रिएट कलर। ओपन करते हैं इसको, मैं नाम कलर का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। ठीक है, तो कलर ही दे देते हैं co.html, कोई मसला नहीं। इस नाम से आप इसको रखेंगे। html का टैग लगाते हैं, क्रिएट कलर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको चेक करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाते होते हैं हमेशा, और मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो जाए। और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ ओपन, क्योंकि हमने येलो कलर बैकग्राउंड पे दिया है। अब एक्सटर्नल सीएसएस के साथ भी हम इसको अटैच कर देते हैं। इसको ओपन करता हूँ, कंट्रोल आई से सेव करता हूँ, यही नाम बिल्कुल कोई मसला नहीं, .css। इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको लिंक करना है यहाँ पे HTML के साथ। यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे लिंक का टैग, और इसको कर लेंगे एक्सटर्नल CSS के साथ अटैच। यहाँ पे आता हूँ, मैं बॉडी का टैग लगाता हूँ, और बॉडी का टैग के बाद बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर कोई भी कर देते हैं आप। ठीक है, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, और ये कौन सा होना चाहिए, यहाँ से सियाना कलर। अब ये देखिए, ये कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये एक्सटर्नल सीएसएस का साथ अटैच है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ इनपुट, और इनपुट टाइप के अंदर मैंने देना होता कलर। जैसे अब कलर बोला, सिंपल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कलर इनपुट दिया। ये देखिए, ये इनपुट कलर आ चुका है। लेकिन अभी इनके नेम यहाँ से हम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या क्या फॉर्म में याद रखनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसके साथ इसको और कंट्रोल करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ इनपुट और टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब ये टेक्स्ट भी बन चुका है, लेकिन इसमें अभी भी नेम नहीं आ रहा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक आईडी दूंगा, और आईडी में क्या दूंगा, एक्स की। सेम काम इसमें आगे करेंगे, एक आईडी देंगे और वाई की। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि ऑन इनपुट। जैसे ही ऑन इनपुट हो तो क्या होना चाहिए, जो x है ना डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाए y डॉट वैल्यू के, इनकी वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, इसके लिए अब मैंने जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हम लोगों ने कोई भी नाम सेट किया। ये हो चुका है जी हमारे पास नेम्स। इस तरह हम लोग यहाँ से नेम्स ले सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि कलर किया, सेव किया। अब बैकग्राउंड कलर यही हो गया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इजाज़त नहीं करके लिए। अल्लाह हाफिज़।